चुनावी माहौल बढ़िया चल रहा है। किस पे बाजी मार, कौन बाजी मार रहा है इस बार? सोनू सिंह और मेनका गांधी। हाँ, ये दोनों लोग नंबर एक पर हैं। नंबर एक पर हैं दोनों लोग हैं। हाँ, क्या लगता है कौन आएगा? अब भाजपा की लहर, हो सकता है मेनका गांधी आ जाए। हाँ, लेकिन सोनू सिंह भी जो है चुनाव बढ़िया लड़ रहे हैं। चुनाव बढ़िया लड़ रहे हैं। इससे पहले सांसद जो थे वरुण गांधी, हाँ, उन्होंने जो काम कराया था उससे कितना खुश है आप? भाई, हमारा तो उनसे कोई लेना देना था नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि सामान्य है, न ज्यादा लोग नाराज हैं न खुशी हैं। हाँ, क्या क्या काम हुआ है आपके यहाँ बताएं। भाई, काम की जानकारी है। विकास के मुद्दे क्या है आपके सुल्तानपुर में? सड़कें हैं, सफाई है, और रोजगार का मुद्दा है। रोजगार तो है नहीं। रोजगार कोई नहीं है यहाँ। रोजगार कोई नहीं है। कोई नहीं रोजगार। तो क्या लगता है किसको आना चाहिए आपके हिसाब से, किसको आना चाहिए? ऐसा है कि जनता आपकी बार जो है, जो मोदी जी ने किया है काम, उनके आधार पे सब चुनाव हो रहा है। हाँ, केवल मोदी, जितने भी प्रत्याशी हैं वो मोदी के नाम से लड़ रहे हैं। मेनका गांधी भी? हाँ, मतलब यहाँ पे लोग मेनका गांधी को नहीं, मोदी को देख रहे हैं। हाँ, केवल मोदी को देख रहा है। मोदी के कुछ अच्छे काम बताइए। हाँ, अब मोदी के अच्छे काम यही है कि सर्जिकल स्ट्राइक है। हाँ, नोटबंदी करी है, उससे भी लोग खुश हैं, नाराज नहीं है। हाँ, नोटबंदी से तो नुकसान भी बहुत हुआ है लोगों का। कहाँ नुकसान हुआ है, किसका हुआ है, तो सब फर्जी है। जिसके पास ज्यादा रुपया था, सामान्य के पास कहाँ रुपया ज्यादा। रोजगार की समस्या पूरे देश में है, यही थोड़ी ना है। आगे में आप भी तो देश को ही देख, हाँ, रहे हैं ना। वही देख रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने रोजगार के लिए तो कुछ किया नहीं है। अब ऐसा किया होगा अपने लेवल पे जो जानकारी नहीं है, क्योंकि हम दुकानदार हैं, उस लेवल का हमारे पास कोई काम है नहीं। अच्छा, काला धन पे? काला धन पे तो मतलब नकेल कसी रहे हैं, आतंकवाद पे नकेल कसी है। पहले सब लोग ज्यादा डरते थे, अब इतना डर नहीं है। नहीं, अभी कल जो है नक्सलियों के द्वारा 15, तो भैया नक्सलिया तो जो है कम हुआ है मामला। 15 जवान दर्शन? अरे 15 तो हुए हैं, लेकिन पहले से कम हुआ है मामला। अब कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे वो? अब वैसे कोई खड़ा है, कोई मार दे तो क्या करे कोई उसमें? पार्टी तो सब पे भारी है, कुछ कह नहीं सकते कौन आ सकता है। लेकिन अगर बीजेपी आती है तो जो सुधार हुए और अच्छा सुधार होगा, जो आने वाले सालों में राजनीति के लिए सबसे अच्छा एक भविष्य का पक्का वो होगा दौर। वरना तो कोई भी पार्टी आए, आती जाती दुनिया है, पर कोई मेन मुद्दा नहीं पकड़ के करता है। और इनकी जो पार्टी है वो मेन मुद्दे पे करती है, एकदम सेफ्टी रहती है, और जो भी करती है ठोस करती है। अन्य पार्टियों को तो नहीं कह सकते, बस खाली वादे करके चली जाती है। तो मोदी जी ने भी तो वादा किया था रोजगार का, पर लेकिन जो वादे किए कुछ काम किए हैं इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। जैसे कांग्रेस भी आई, कांग्रेस की रणनीति पे ये कर रही है, अब इनकी रणनीति पे आने वाली पार्टी करेगी, लेकिन जो ये है उसकी इतना कोई व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। आपके दोस्तों मेनका गांधी आने वाली है, आए या ना आए, लेकिन कोई भी आए, लेकिन इनके जैसी राजनीति मोदी जैसे कोई नहीं कर पाएगा।